और जिससे प्यार करती थी, जिसके लिए मैंने अपनी शक्तियां त्यागी, वो प्यार भी मुझसे खो गया। कोई गम नहीं, मेरे हाथ से सब कुछ फिसल गया, मेरी जिंदगी फिसल गई, मैं जेल चली गई। कोई गम नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी जीना नहीं चाहती थी, मर जाना चाहती थी, पर अब मेरे बच्चे का खून हुआ है, मेरे बच्चे की मौत हुई है, और आप तो देवों के देव हैं, आप महादेव हैं, आपने ये सब कैसे होने दिया? आपने गलत की जीत कैसे होने दी? और सच को बस ऐसी ऐसी मर्जी को छोड़ दिया? आपने मुझे शेषनागिन के लिए चुना था, आपने मुझे एक लक्ष्य दिया था और वो लक्ष्य मैंने पूरा किया, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा होने दिया। मैं शिव वरदानी हूं। आपकी वरदानी, आपने अपनी शिव वरदानी की सदा से कैसे होने दिया? शिव जी, कैसे होने दिया? मेरा बस अब जो होना था वो हो गया, उसको मैं बदल नहीं सकती, पर आगे से मैं अपने साथ कोई ना इंसाफी नहीं होने दूंगी। अब बस आपने मुझे शेष नागिन के लिए चुना था, अब मैं अपनी शेष नागिन की शक्तियां वापस लेकर रहूंगी। जिन लोगों ने मेरे बच्चे की जान ली है, आपकी कसम शिव जी, छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें, और आपके सामने पूरे ब्रह्मांड के सामने ऐलान करती हूं मैं कि अपने शेष नागिन की शक्तियां वापस लेकर ही आऊंगी, और आपको आपको मुझे मेरी शेष नागिन की शक्तियां वापस लौटानी होगी। और अगर आपने मुझे मेरी शेष नागिन की शक्तियां नहीं लौटाई तो आप मेरे शिव नहीं, और मैं आपकी शिव वरदानी नहीं। अब मैं इस पूरे ब्रह्मांड के सामने ऐलान करती हूं शिव जी कि मैं शेष नागिन की शक्तियां लेकर आऊंगी, मैं वापस आऊंगी, नागिनों की नागिन शेष नागिन वापस आएगी। ईशा, तुम वापस कब आई? मैं तो रात को ही आ गई थी। मैंने कहा ना, एक इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूं। कहां जा रहे हो? क्लाइंट के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसी के लिए जा रहा हूं। ये डील मुझे किसी भी हालत में क्रैक करनी है। ऋषभ, तुम अपने काम में इतना बिजी रहते हो कि तुम्हारे पास मेरे लिए भी टाइम नहीं है। आखिर तुम्हें कितने पैसे कमाने हैं? पहले तो तुम कभी ऐसे नहीं होते थे, जब प्रथा। वो दिन चले गए जब मुझे पैसे कमाने का बिल्कुल जुनून नहीं था, पर अब मैं इतने पैसे कमाने वाला हूं जितने मेरे डैड ने भी कभी नहीं कमाए होंगे, और ना मेरे दादा कभी इतना लड़े होंगे। गेट इट?
ऋषभ तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है? तुम कितने घंटों से सोई नहीं हो? अच्छा संभल के जाना, बाहर मौसम बहुत खराब है, तूफानी हवा चल रही है, बारिश भी हो सकती है, अगर आपको कुछ हो गया तो। ये तो बस मौसम का तूफान है, जिंदगी में मैं इनसे भी बड़े तूफानों से लड़ चुका हूं और देखो अब भी तुम्हारे सामने खड़ा। डोंट वरी, ये मौसम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या हुआ है? ऋषभ चला गया। तो जाने दो उसे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लान है। चलो मेरे साथ। मैंने जो इतनी मेहनत से प्लान तैयार किया है, अब उसे अंजाम देने का वक्त आ चुका है। आज एक ट्रक आने वाला है, कुछ ही देर में वो ट्रक हमारे देश की सरहद तक पहुंच जाएगा। मेरे इस खतरनाक प्लान में जो लोगों ने आज तक मेरी मदद करने की कोशिश की है, वो अब भी मेरी मदद करना चाहते हैं। तुम शेष नागिन बन चुकी हो और इसका मुझे शिद्दत से इंतजार था, क्योंकि अब तुम हमें इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में मदद करोगी, और अगर हमें कुछ हो भी गया तो तुम अपनी शक्तियों से हमें बचाओगी। बचाओगी ना? हाँ ऑफ कोर्स बचाऊंगी। बताओ प्लान क्या है? ये हमारे देश का मैप और ये हमारे देश का बॉर्डर। यहाँ देश के सिपाही हमारी देश की रक्षा करने का काम करते हैं। बस यही नस्ल है जिसे हमें खराब करना है, क्योंकि ये नस्ल 18-19-20 साल से बड़ी नहीं है। इसी नस्ल को हमें खराब करना है, उस छोटी बुढ़िया से। मतलब? आओ मेरे साथ। एक चीज है जो बहुत सारे लोगों ने इस देश में आने से रोकने की कोशिश की है पर हर वक्त नाकामयाब रहे हैं, और वो है ड्रग्स। वायरस आया चला गया, पर ड्रग्स वो जहर है जो नसों में फैलता चला जाएगा। मैं ये काम बहुत वक्त से करने की कोशिश कर रही थी पर कर नहीं पा रही थी उस प्रथा की वजह से, पर अब तुम हो तो अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं उस ट्रक को सरहद तक लेकर जाऊंगी तुम्हारी मदद से, और वहां पर मैं तुम्हें मिलाऊंगी अपने पार्टनर से। बहुत खुश होगा तुमसे मिलकर। चलो रात तक हमें सरहद तक पहुंचना है। मैंने उसके अंश, उसके आने वाले वंश को मार दिया। अब मैं शेष नागिन और मुझसे मेरी शक्ति कोई नहीं ले सकती।